सर्वप्रथम त म जो आम जनताले दिएको जनमतलाई म स्वीकार गर्छु अनि यसलाई सम्मान पनि म जनाउन चाहन्छु। र जो राजु विष्टजी र निरञ्जन किन्दा भाइ उहाँले दार्जिलिङबाट जित्नुभयो यसको निम्ति उहाँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु अनि भारतीय जनता पार्टीलाई बधाई दिन चाहन्छु। म आशा साँच्छु कि श्री राजु विष्टजी अनि निरञ्जन किन्दा भाइले दार्जिलिङ पहाडको लागि अनि यो दार्जिलिङ क्षेत्रको लागि आउँदो दिनहरूमा राम्रो कार्य गरेर जानेछ, यही मेरो आशा साँचेको छु। अब हामी दुई चार दिनभित्र हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ राख्दैछौँ र त्यस पश्चात हामी आउँदो कार्यक्रम गर्छौँ। तथापि हाम्रो जुन राज्य सरकारसँग तृणमूल कङ्ग्रेससँग जुन चाहिँ गठबन्धन छ त्यो गठबन्धन यथावत रहनेछ अनि राज्य सरकारसँग जुन सम्बन्ध छ त्यो यथावत रहनेछ। सातों विधानसभा सीट में जो हम लोग को लीड नहीं मिला तो इसलिए मैंने बोला कि वी रेस्पेक्ट द मैंडेट ऑफ द पीपल। तो देखिए इसमें हम लोग कोई दुख नहीं है, तो पब्लिक जो दे रहा है मैंडेट वही उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और सम्मान भी करेंगे। विमल गुरुंग का एक वीडियो आया है, बोला है कि बिना तमाम अनिता को जीटीए छोड़ना चाहिए इमीडिएट। देखिए ये अभी बोलना उनका, ये सभी बोल रहे हैं, ये तो राज्य सरकार तय करेगा क्या करेगा।